हेलो गाइस, सो दिस इज रोहित कश्यप फिटनेस कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड आज का जो एपिसोड है वो है रमजान स्पेशल, रमजान के ऊपर, क्योंकि काफी मुस्लिम कम्युनिटी है, काफी मेरे दोस्त यार भी हैं जो लोग मेरे से पूछते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम लोग रमजान के टाइम पर कैसे डाइट को फॉलो करें, किस टाइप से न्यूट्रिशन को फॉलो करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं, उन लोगों को लगता है कि फैट लॉस नहीं हो सकता इस टाइम पर, अगर होगा तो मसल लॉस भी हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि है ना मसल गेन करना चाहता है, बहुत कंफ्यूज है किस टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करें क्योंकि इसमें फास्टिंग बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको किस टाइप से फॉलो करना है रमजान के टाइम पर आपको न्यूट्रिशन प्लान। सबसे पहले बात मैं करूंगा फैट लॉस के लिए, जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए। सो गाइस, जैसे आप लोग रमजान है जो आप इफ्तारी लेते हो, जब आपका जो पहली इफ्तारी होती है उस टाइम पे आप डेट लो। अब डेट्स खाने के बाद क्या होगा, जब आप डेट्स खाओगे तो थोड़ा सा इंसुलिन नो डाउट स्पाइक होगा, वो कार्ब्स है एक तरह से, तो आपको क्या करना है, इंसुलिन स्पाइक होगा तो वो होने दीजिए, पर एटलीस्ट आपका जो स्टमक है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी, क्योंकि आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया होता है, तो उस टाइम पे आपने इतनी कैलोरीज कंज्यूम नहीं करी होती है। तो आप उसके बाद डेट्स खाओ और डेट्स के बाद आप कॉफी ले लो या कोई फैट बर्नर ले लो अगर आप फैट बर्नर यूज करते हो तो, और उसके बाद अपना वर्कआउट करो, तो उससे फैट लॉस प्रोसेस है जो फास्ट रहेगा, मेटाबॉलिक रेट फास्ट रहेगा, उतना ज्यादा इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा क्योंकि फूड उतना ज्यादा नहीं गया आपकी बॉडी में, तो ऑलमोस्ट वो आपका जो बॉडी है वो सेमी कैटाबॉलिक स्टेट में रहेगा क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा मील्स कितना ज्यादा कैलोरीज आपने कंज्यूम नहीं करा है, राइट। एंड उसके बाद फिर आपने अपना वर्कआउट करा, वर्कआउट करने के बाद फिर आपने अपना मील लिया, मील में क्या रहेगा आपका, कोई भी आइसोलेट प्रोटीन लेंगे आप, तो आपने वर्कआउट करा, इफ्तारी लिया, इफ्तारी के बाद डेट्स खाकर आपने कॉफी कंज्यूम करा, कॉफी के बाद आपने वर्कआउट करा, वर्कआउट के बाद आपने क्या किया, वर्कआउट जब आप कर लोगे उसके बाद आपने अपना आइसोलेट प्रोटीन शेक ले लिया। जो लोग सप्लीमेंट यूज नहीं कर सकते वो एग वाइट्स ले सकते हैं, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है एग वाइट्स की भी, तो एग वाइट्स आपसे ले सकते हो। और उसके बाद फिर आपको जो नेक्स्ट मील होगा वो होगा रात को 10 बजे 11 बजे, और 10-11 बजे आप वापस से क्या खाओगे, आप थोड़ा सा कार्ब्स उसमें डालोगे, थोड़ा सा कार्ब्स रहेगा, थोड़ा सा प्रोटीन रहेगा, जिसमें आप चिकन फिश जो आपको चाहो आप ले सकते हो, जो वेजिटेरियन इसमें वेजिटेरियन तो आई डोंट थिंक सो कि होंगे, पर स्टिल जिन लोगों को वेज ऑप्शन चाहिए वो लोग पनीर थोड़ा सा खा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका जो लास्ट मील होगा, क्योंकि आपका जो रमजान का जो लास्ट वाला मील है वो आपको लेना है 3-4 बजे, क्योंकि वो आपका लास्ट मील होना चाहिए, उस टाइम पे आपको अपना रमजान वापस से फास्टिंग चालू करनी पड़ती है 3-4 बजे के टाइम पर, तो इसलिए आपको लास्ट मील है जो उसमें वेजिटेबल्स लेनी है और वापस से चिकन कंज्यूम करना है ये। और जिन लोगों को इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है कि बिना खाई नींद नहीं आती, वो थोड़ा सा फैट कार्ब्स नहीं, थोड़ा सा फैट और प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, मतलब प्रोटीन इंटेक में क्या कर्ड एंड प्रोटीन शेक मिक्स करना है, उसमें कर्ड से स्लो रिलीज हो जाएगा, तो एटलीस्ट अगर आप 3 बजे भी अगर उस मील को कंज्यूम करते हो तो वो थोड़ी देर बाद आपके स्लो रिलीज होगा, तो पेट में टमी में जाकर वो रहेगा, रिकवरी में भी हेल्प करेगा। तो ये तो गाइस हो गई फैट लॉस की बात। और आप दिन में 2 से 3 बार ब्लैक कॉफी कंज्यूम करो, एप्पल साइडर विनेगर पियो, तो उससे आपका मेटाबॉलिक रेट भी फास्ट रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ मसल गेनिंग के बारे में, जो लोग मसल गेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए। तो जो मसल गेनिंग करना चाहते हैं वो लोग अपना मील लें, सबसे पहले जब उठेंगे अपना, उठने के बाद अपना पहले इफ्तारी में वो डेट्स खाएं, डेट्स खाने के बाद वो लोग अपना BCAA ग्लूटामाइन प्रोटीन शेक पिएं, और उसके साथ मील लें ओट मील, ब्राउन राइस, सैंडविच विथ अपना प्रोटीन के साथ, जैसे प्रोटीन शेक हो गया उसके साथ में प्रोटीन के साथ क्या चिकन फिश कुछ भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपने वो एक मील लिया, फिर आप करोगे वर्कआउट, तो आपने एक मील में कार्ब्स लोड कराया तो आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, हैवी लिफ्टिंग कर पाओगे। उसके बाद फिर आपने वो मील वर्कआउट करने के बाद आपने वो मील खाया एक, और वापस से प्रोटीन शेक लिया, ग्लूटामाइन कंज्यूम करा, क्रिएटिन लोड करा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आपका जो दूसरा मील होगा, सेकेंड मील होगा, वो होगा 9:30 से 10 बजे के टाइम पर। तो उस टाइम पे आपने क्या किया, 9:30 से 10 बजे के टाइम पर आपने वापस से थोड़ा सा कार्ब्स लोड करा, कार्ब्स लोड करा, कार्ब्स लोड करने के साथ अपना चिकन या फिश कुछ भी लिया, मटन ले लिया। और उसके बाद आपका जो लास्ट मील होगा वो 3:30 4 बजे का टाइम होगा, तो उस टाइम पे आपको वेजिटेबल्स लेनी है, कार्ब्स उसमें मत रखो, आप वेजिटेबल्स लो, साथ में प्रोटीन में क्या लोगे आप, चिकन मटन फिश कुछ भी ले सकते हो, वो आप कंज्यूम करो, और कर्ड में प्रोटीन शेक मिक्स कर लो। अब जो लोग प्रोटीन शेक नहीं लेते गाइस, तो वो लोग प्रोटीन कंटेक बढ़ा लें, साथ में कर्ड भी लें, कर्ड क्या होता है स्लो रिलीज करेगा उसको, दही स्लो रिलीज कर देगा उस प्रोसेस को, तो आप लोग वो भी कर सकते हो, योगर्ट भी यूज कर सकते हो, और अगर आप लोग प्रोटीन शेक यूज करते हो तो कर्ड में प्रोटीन मिक्स करो एक स्कूप और उसको पियो। तो ये गाइस मैंने आप लोगों को जो बताई है टिप्स, ये आपको फैट लॉस में भी हेल्प करेगी, जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं,
और जो लोग मसल गेन करना चाहते हैं तो उनको मसल गेनिंग में भी हेल्प करेगा। आई नो गाइस कि एपिसोड हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, पर मैं बेसिकली अपने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स बढ़ाने के साथ साथ मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी इंसान को एक छोटा सा अपने व्यूअर्स की छोटा वीडियो बनेगा, लोग ज्यादा देखेंगे बोर हो जाते, तो जो बोर हो जाते हैं वो हो जाए बोर। पर अगर जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं कुछ सीखना या चाहते हैं तो वो मैं बहुत कम टाइम में नहीं समझा सकता, ये बहुत फैक्ट एक्चुअली ये चीज। तो इसलिए तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। सो गाइस प्लीज आप समझे, अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम पर, एंड आप लोग मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, काफी लोगों के नंबर्स भी है मेरे पास, व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग 7738801415। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ तो शायद आप लोगों को हेल्प होगा इन सब चीजों से। सो गाइस सब लोगों को, मेरे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं उन सब लोगों को रमजान मुबारक, एंड मेरी तरफ से सलाम।